वेलकम बैक ऑन ग्रेट ऑफ स्टडी तो आज की क्लास हमारी है ठीक है तो इस सीरीज में हम आपके पी वाई क्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मेन इन मिक्स फॉर्म में चाहे वो आपके एच पी पुलिस में हो फॉरेस्ट गार्ड में हो या फिर पटवारी में हो तो इनके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैथमेटिक्स सेक्शन में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम मिक्स फॉर्म में अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो इससे पहले पांच क्लासेस हो चुकी हैं अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो वो भी जाके देख सकता है वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी ठीक है तो हम क्या कर रहे थे हम एक-एक क्वेश्चन को चेक कर रहे थे और अपने एंड से निकालने की कोशिश कर रहे थे कि इसको और किस अलग तरीके से निकाला जा सकता था ठीक है चलिए तो क्लास को शुरू करने से पहले कॉपी पेन को साथ में लेके बैठिए मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको टेन सेकंड दूंगा फिर हम चेक करेंगे कि आपके निकालने में और मेरे निकालने में क्या डिफरेंस है और उस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जा सकता था ठीक है चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी टाइम्स डज सिक्स अपीयर्स वाइल्ड राइटिंग इंटीजर्स फ्रॉम फोर टू नाइन तो चार से नौ तक पूर्णांक लिखते समय छ कितनी बार आता है ये आपको बताना है। दस सेकेंड है आपके लिए निकालने की कोशिश कीजिए फिर मैं निकाल के बताता हूं चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखिए क्या बोला है हमें निकालना है कितनी बार अपीयर होगा कितनी बार आएगा जब हम 400 से 900 तक कोई गिनती लिखेंगे अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है उसको देखो अब ये 400 लिखा हुआ है जब हम लिखना शुरू करेंगे तो ऐसा आएगा चार 402, 403 ऐसे करते करते 406 एक नंबर आ गया तो यहां से हमने एक काउंट किया कि यहाँ पर एक आया इसी तरीके से हमें पूरा काउंट करना पड़ेगा कि 900 तक कितनी बार छे अपीयर होगा अब देखो अगर मैं बोलूँ कि एक से लेके 100 के बीच में छे कितनी बार आया होगा तो कैसे निकालोगे सबसे पहले एक वाली लाइन देखो इसमें छ कितनी बार आ रहा है सर एक बार आ रहा है फिर आगे आपका आएगा इलेवन इलेवन वाली लाइन में छः कितनी बार आएगा यहाँ पर भी एक बार आएगा तो इस तरीके से जब हम चलते जाएंगे मेन अगर यहाँ पे मैं लिखूँ जैसे वन इलेवन ट्वेंटी वन थर्टी वन फोर्टी वन फिफ्टी वन सिक्सटी वन फिर आपका 71, वन एटी वन नाइन्टी अब इसमें काउंट करो कितनी बार है ये देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ठीक है तो यहां से दस बार छः बाहर निकल जाएगा कहाँ कहाँ पे एक छोलह फिर सोला, फिर यहां पर छब्बीस फिर थर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स यहाँ पर सिक्सटी सिक्स आएगा लेकिन हम अभी आपके यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं ठीक है इकाई के अंक की बात कर रहे हैं सिर्फ ये वाला हिस्सा देख रहे हैं इसलिए हम इसको सिक्स काउंट कर रहे हैं ठीक है ये हम बाद में देखेंगे तो यहां से भी मेरा सिक्स आ गया सेवन एटी सिक्स नाइनटी सिक्स तो यूनिट डिजिट पर मीन यूनिट प्लेस पर छः यहां पर कितनी बार आया एक से लेकर सौ तक छः बार आया आ, दस बार आया ठीक है ये देखो एक दो तीन चार पांच छः, सात आठ नौ दस तो छ मेरा कितनी बार आ गया दस बार यूनिट प्लेस पर अब आपका प्लेस पर भी आ रहा है वो कहां कहां पर आ रहा है ये देखो जब आप 50 वाली लाइन करोगे ना तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, ऐसे जाते जाते एक पॉइंट आएगा 60। तो यहां पर ये जो 6 है, ये जो है, आपका टेंथ प्लेस के ऊपर आ रहा है तो ठीक है एक ये आ गया अब उसके बाद सिक्स की लाइन शुरू हो रही है तो यहां पर ये कितनी बार आएगा यहाँ पे 62 आएगा 63, 64 ऐसा चलता चलता ये 69 तक चलेगा तो यहां से काउंट करो कितनी बार छाया सिक्सटी वन से लेके सिक्सटी नाइन तक टेंथ प्लेस के ऊपर छ कितनी बार आया नौ बार और एक आपका ये साठ में है तो कुल मिला के कितना हो गया दस तो यहां से दस आया और यहां से दस आया तो कुल मिला के बीस बार छे आया एक से लेके सौ तक ठीक है या फिर एक से लेके निन्यानबे तक बीस बार हमारे पास सिक्स डिजिट आई ठीक है अब इसमें नंबर्स देखिए अगर मैं सौ से 200 की भी बात करूं तो मुझे सिर्फ ये वाले यूनिट और जो आपका टेंस या फिर हंड्रेड वंस और टेंस वाला प्लेस है इसको चेक करोगे तब भी आपका छ आपका बीस बार ही आएगा क्योंकि इसमें भी हम यही देख रहे हैं वंस प्लेस से लेके यूनिट टेंस प्लेस, प्लेस तक ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा छः कितनी बार आया बीस बार उसी तरीके से अगर मैं सौ से दो सौ तक जाऊंगा तो मेरे पास छ कितनी बार आएगा बीस बार आएगा उसी तरीके से अगर मैं दो सौ से तीन सौ में चेक करूंगा तो छः कितनी बार आएगा बीस बार ही आएगा ठीक है तो ये बेसिक फॉर्मेट है अब इसी को लेके हम आगे चलेंगे फिर हमारा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा देखिए हमें क्या निकालना है हमें निकालना है चार सौ से लेके नौ सौ के बीच में छह कितनी बार आएगा अब देखो चार सौ से पांच सौ फिर पांच सौ से छ सौ 600 सौ से सात सौ सात सौ से आठ सौ और आठ सौ से नौ सौ तो इनके बीच में हमें छह निकालना है सबसे पहले चेक कीजिए यूनिट और टेंस प्लेस में वंस और टेंस प्लेस पर छह कितनी बार आएगा तो मैंने आपको बताया सौ से दो सौ तक या फिर एक से सौ तक कितनी बार छह आएगा बीस बार तो चार सौ से 500 के बीच में यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस या फिर टेंस प्लेस के ऊपर छह कितनी बार आएगा यहां पर बीस बार इस केस में कितनी बार आएगा बीस बार इस केस में बीस बीस और बीस ये किसकी बात की जा रही है वंस और टेंस की ठीक है अब इसमें एक चीज और है अब ये वाला हिस्सा देखो आप सिक्स हंड्रेड से लेके 700 तक यहां पर जो सिक्स है वो हंड्रेड प्लेस के ऊपर भी आ रहा है ठीक है तो ये भी हमें काउंट करना पड़ेगा ये कैसे काउंट करेंगे ये देखो सिक्स हंड्रेड से लेके तो कितनी बार आया सो बार और यहां से कितना आया इनको आप प्लस कर दो एक दो तीन चार पांच तो यहां से भी मेरा पास आ गया हंड्रेड तो ओवरऑल 400 से लेके 900 के बीच में जो सिक्स है वो कितनी बार आएगा वो टू हंड्रेड टाइम्स आएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा ठीक है तो ये मैंने पूरा खोल के बता दिया कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए ट्रेन फाइव हंड्रेड वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर्स मीन एक सौ पचास मीटर लंबी वाली एक ट्रेन नाइनटी किलोमीटर प्रति आर में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए 250 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी या फिर कितना टाइम लेगी आसान क्वेश्चन है आप इसे निकाल सकते हो तो इस टाइप के कंसेप्ट हम अपने ग्रेड अप स्टडी प्लस कोर्स में कर चुके हैं वहां पर हमने प्रैक्टिस सेशंस भी इनके ऊपर किए हैं किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने टैकल किया हुआ है ठीक है चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे निकालते हैं क्या बोला है ट्रेन कितनी लंबी है 150 फिफ्टी मीटर्स जो सुरंग है टनल की लेंथ कितनी है ये भी है आपकी ये है आपकी 250 हंड्रेड मीटर्स जो ट्रेन की स्पीड है वो हमें पता है 90 किलोमीटर पर आर और हमें निकालना है टाइम टाइम तो भी आपको सेकेंड्स में निकालना है अब देखो ये जो स्पीड है ये हमें किलोमीटर पर आर में है और जो लेंथ और टाइम निकालना है वो सेकेंड या फिर मीटर्स में निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 90 को जब मैं 5 अपॉन एटीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये मीटर पर सेकंड में चीज आ जाएगी फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं काटू 18 फाइव जा नाइंटी और 5 फाइव जा ट्वेंटी तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है अब कुछ नहीं अब हमें फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम अब डिस्टेंस यहां पर क्या होता है ट्रेन अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म या फिर टनल का लेंथ दोनों को कवर करेगी तो इनका प्लस 150 फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी इज इक्वल टू स्वीट कितनी निकाली 25 मल्टीप्लाई टाइम हमें निकालना है तो इनको प्लस कर दो जीरो जीरो दो तीन चार चार सौ और यहाँ पे 25 का नीचे डिवाइड दे दोगे। तो अगर आप इसे काटोगे कैसे फाइव फाइव जी फाइव फाइव एट और अगर आप इसे काटोगे तो अराउंड सिक्सटीन आ जाएगा तो टी आपके पास आ जाएगा 16 सेकेंड तो 16 सेकेंड में जो ट्रेन है वो उस सुरंग को पार कर लेगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है 24 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े और 18 मीटर लंबे कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी आसान सा क्वेश्चन है ये आप निकाल सकते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कमरा कैसा है इस तरीके से कमरा है आपका ठीक है क्यूबोइडल शेप का कमरा है अब ये जो कमरा है इसमें आपको सबसे लंबी छड़ डालनी है जो सबसे लंबी छड़ है वो आपकी कुछ इस तरीके से चलेगी मीन इस तरीके से ये छड़ाई। तो इसकी लेंथ आपको निकालनी है ये कितनी लंबी लेंथ है ठीक है चलिए चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं ये जो कमरा है कमरे की हमें लेंथ पता है चौबीस मीटर ब्रेथ कितनी है सोलह मीटर और हाइट कितनी है 18 मीटर हमें ये वाली चीज निकालनी है तो ये डायरेक्टली हम इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बस इसमें वैल्यूज को डाल दीजिए यहां पर क्या आएगा 24 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर अब इनको स्क्वायर कर दीजिए ट्वेंटी फोर का स्क्वायर कितना होता है आप यहाँ से निकाल सकते हो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा सिक्स प्लस और एटीन का कितना होता है एटीन को एटीन से कर लीजिए एट एट सिक्सटी फोर और एट एट सिक्सटीन और वन यहां से आ गया आपका फोर टू और थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है तो इसका हमें रूट निकालना है बस इसमें प्लस कर दीजिए ये कितना आ जाएगा फाइव सेवन सिक्स और टू फाइव सिक्स और थ्री टू फाइव थ्री टू फोर सॉरी तो 6 चार दस सोलह सोलह के 6 एक बैलेंस और सात तीन दस पांच पंद्रह के पांच एक बैलेंस और यहां से कितना आएगा तीन दो पांच दस और ग्यारह सिक्स, सिक्स तो इसका हमें रूट निकालना है वही हमारी वैल्यू होगी तो देखिए लास्ट में आपका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है वो है आपका सिक्स तो किसका स्क्र सिक्स हो सकता है ये देखो थर्टी फोर और 24 इसका है 4 4 को मैं स्क्वायर करूंगा तो 6 आएगा लास्ट में यहाँ पर भी 6 आएगा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा तो ये मेरे ऑप्शंस नहीं होगी गए इनमें से ही मेरा कोई आंसर होगा अब देखो मुझे पता है 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है तो 24 तो 30 से पहले होगा तो जो इसका स्क्वायर होगा उससे पीछे पीछे होगा लेकिन हमारा जो स्क्वायर हमें किसका चाहिए हमें वो स्क्वेयर चाहिए जो वन वन फाइव सिक्स हो मीन वो नाइन हंड्रेड से बड़ा हो तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है थर्टी फोर थर्टी फोर का स्क्वेयर ही आपका वन वन फाइव सिक्स होता है तो बीच में रखे जाने वाली सबसे लंबी जो खंबा या फिर छड़ होगी वो क्या होगी थर्टी फोर मीटर्स की होगी ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए दो गोलाकार गेंदों का सतही क्षेत्रफल चार रेशो के अनुपात में बड़ी गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको यदि छोटी गेंद की त्रिज्या कितनी है चार सेंटीमीटर चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे निकालते हैं क्या बोला है हमें स्पेयर दो स्पेयर पता है दो गोले पता है उनका सरफ़ेस एरिया का रेशो पता है तो किसी भी गोले का सरफ़ेस एरिया क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर पाई आर स्क्वेयर तो एक को मैं मान लेता हूं आर वन और इसका रेशो फोर पाई आर टू का स्केर ये स्मॉलर है ये लार्जर है ठीक है अब देखिए अगर मैं इस फोर से ये फोर पाई को काट दूं काट सकता हूँ बिल्कुल यही रेशो मेरी किसके बराबर है चार रेशो नौ के बराबर ठीक है तो ये स्क्वेयर है आपका यहाँ पे आके क्या बन जाएगा इसका रूट यहाँ पे बन जाएगा रूट तो यहाँ से मेरा कितना आ गया दो रेशो तीन अब छोटे वाली जो बोल है उसका रेडियस मुझे पता है तो आर यहां से कितना है दो रेशो यही दो रेशो चार सेंटीमीटर के बराबर है तो एक रेशो कितना आ गया दो सेंटीमीटर मुझे क्या निकालना है बड़े वाले गोले की त्रिज्या तो वो तीन रेशो में है तो एक रेशो दो है तो तीन रेशो कितना होगा छ सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन टेन मिनट्स ए कार विद सिक्सटी किलोमीटर पर आर स्पीड ट्रेवल्स डिस्टेंस ओ सिंपल सी चीज है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 मिनट में तय की गई दूरी आसान सा क्वेश्चन है यह निकालोगे आप 10 सेकंड इसके लिए चलिए देखिए कैसे निकालते हैं डिस्टेंस निकालना है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम तो स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना है 10 मिनट अब ये मिनट्स में है ये किलोमीटर पर आर में है और मुझे किलोमीटर में निकालना है तो इसको मुझे आर में बनाना पड़ेगा तो यहां पे मैं साठ का डिवाइड दे देता हूं साठ से साठ चला गया तो डिस्टेंस कितना आ गया दस किलोमीटर तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर मीन आपको अगली नंबर बतानी है आपको सीरीज दी गई है जीरो तीन आठ पंद्रह चौबीस पैंतीस अड़तालीस तो अगला नंबर क्या होगा ये भी आसान है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा चलिए देखते हैं क्वेश्चन को ऐसे करते हैं क्या है जीरो तीन आठ पंद्रह चौबीस पैंतीस अड़तालीस तो इसके बाद आगे क्या नंबर आएगा अब ये देखो ये सीरीज आपकी फॉलो हो रही है इसमें कुछ ना कुछ सेम होगा अगर आप ध्यान से देखोगे ये देखिए इनका डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है सर थ्री का इसके बाद डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है फाइव का यहाँ पे डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है सेवन का ठीक है और यहाँ पे डिफरेंस करो चेक यहाँ पे आपका आएगा नाइन का इसके बाद डिफरेंस चेक करो यहाँ पर आपका आ जाएगा इलेवन का इसके बाद डिफरेंस चेक करो थर्टीन का तो ये क्या है ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे हम ओड नंबर्स को इसमें प्लस कर रहे हैं जैसे तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह तो अगला इसके बाद ओड नंबर क्या आएगा फिफ्टीन तो हमें बस इसमें फिफ्टीन जोड़ना है तो फोर्टी एट में फिफ्टीन जोड़ दो थ्री चार पाँच छः तो सिक्सटी थ्री मेरा अगला नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए चलिए तो आगे जाने से पहले बता दूं क्रिएटिव स्टडी पर हमारा प्लस कोर्स चला हुआ है अगर आप एच पी पुलिस कॉन्स्टेबल फॉरेस्ट गार्ड पटवारी या फिर जेल वार्डन जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारा बैच लॉन्च है तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो एनरोल कर सकते हो अगर किसी ने एनरोल करना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है डायरेक्टली कॉल या फिर मैसेज करके वहां पे जानकारी ले सकते हो ठीक है तो वहां पे हमारी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस चलती हैं, मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं और भी बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट बिगिनिंग विद वन एंड एंड विद थ्री तो पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या जो एक से शुरू हो और तीन से समाप्त हो ये तो आसान है ये निकाल लोगे आप चलिए क्या बोला है पांच नंबर की हमें कोई डिजिट बनानी है पहला नंबर होना चाहिए वन और लास्ट में होना चाहिए तीन तो सबसे छोटी बनानी है तो यहां पे अगर मैं इस तरीके से जीरो लगा दूँ तो ये पांच अंकों की बन गई और ये सबसे छोटी भी ही है देखो यही सबसे छोटी है इसके ऊपर सभी बड़ी ही हैं तो यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए फाइव अपॉन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेल्व तथा फिफ्टीन अपॉन एट का हमें निकालना है एच सी एफ महत्तम समापन

तो यहां से मुझे देखने को वन ही दिख रहा है तो वन ऊपर एच आ जाएगा नीचे कितना आएगा इनका एल्सियम होगा मेरा फोर्टी एट तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो ऑप्शन से भी जा सकते हो एक आपका एक ही ऑप्शन में है तो यही आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा द वैल्यू ऑफ वन क्यू प्लस टू क्यू प्लस थ्री क्यू प्लस फोर क्यू और इसकी पावर है माइनस थ्री अपॉन आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा निकल जाएगा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं देखिए तो सबसे पहले हमें इसे अंदर वालों को सोल्व करना पड़ेगा देखिए वन का क्यूब कितना और, और, और बाहर क्या है माइनस थ्री का थ्री बाई टू अब इनको प्लस कर दीजिए कितना आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी सेवन में नाइन प्लस किया सेवन सेवन फोर्टीन फाइव और टू थ्री थर्टी फाइव और यहाँ से कितना आ जाएगा नहीं इसको प्लस कीजिए एट में मैंने वन को प्लस किया कितना आ गया नाइन और नाइन को आपने करना है ट्वेंटी सेवन में प्लस तो सात सात चौदह पंद्रह सोलह आएगा। सोना का छः एक ऊपर छत्तीस और छत्तीस में प्लस करना है सिक्सटी फोर को यहां से कितना आएगा जीरो छ तीन नौ दस हंड्रेड तो अंदर मेरे पास आ गया हंड्रेड और बाहर है माइनस थ्री बाई टू अब इसको कैसे सोल्व करते हैं देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये कुछ इस तरीके से है माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन बाय टू तो मैं इसको ये लिख सकता हूं तो ये जो वन बाय टू होता है ये ये कुछ नहीं है ये रूट है तो रूट को ही हम वन बाय टू भी लिख सकते हैं तो डायरेक्टली मैं इस वन बाई टू को क्या कर रहा हूँ इस हंड्रेड का रूट कर रहा हूं और बाहर मेरा क्या है माइनस का थ्री तो ये किसका रूट है ये आपका टेन का रूट है और बाहर क्या बन जाएगा माइनस का थ्री अब ये माइनस का निशान कैसे हटाऊंगा ये ऐसा होता है अगर कोई चीज नीचे अपॉन में है अगर आप इसे ऊपर उठा के लेके जा रहे हो तो ये माइनस में बन जाती है तो अगर ऊपर माइनस में है तो इसको उठा के नीचे ले आओ तो नीचे क्या बन जाएगा वन अपॉन टेन का क्यू ठीक है तो इसको आगे सोल्व करो टेन का क्यूब कितना होता है वन एक दो तीन बस इसमें पॉइंट लगा दो इस जीरो का वन जीरो जीरो और वन का पॉइंट देखिए कौन सा ऑप्शन है option है ऑप्शन तो नंबर आपका आपका बी तो यही आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए द एवरेज ऑफ राम्स फाइव डिफरेंट स्कोर्स इन द टेस्ट इज फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव इट वॉज लर्न लेटर रिटर्नो प्लेस ऑफ थर्टी एक राम है कोई व्यक्ति उसने पांच टेस्ट दिए उसकी एवरेज कितनी बनी फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव बनी। ठीक है। लेकिन बाद में पता चला चालीस की जगह उसने थर्टी एट की जगह क्या लिख दिया गया एक टेस्ट में चालीस नंबर लिख दिए गए और थर्टी सिक्स की जगह थर्टी टू नंबर लिख दिए गए जिसकी वजह से एवरेज गलत आया तो आपको बताना है अगर एवरेज सही होगा तो मेन नंबर क्या आएगा अगर सही नंबर दिए गए होते तो एवरेज क्या होता करेक्ट एवरेज क्या होता एक टेस्ट में 38 नंबर आए लिखे कितने दिए 40 और एक टेस्ट में 36 नंबर आए लेकिन उसको काउंट कितने किए 32 तो डिफरेंस आया था तो क्या एवरेज होगा करेक्ट चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे निकालते हैं देखो दो में दिक्कत है थत्तीस नंबर थे मीन थर्टी एट नंबर थे लेकिन पढ़े कितने चालीस थर्टी सिक्स नंबर थे पढ़े कितने थर्टी टू तो इनमें डिफरेंस देखो थर्टी एट नंबर को चालीस पढ़ लिया गया तो एवरेज आपका बढ़ा बढ़ेगा कि यहाँ पे कम होगा नंबर आपके बढ़ेंगे कि कम होंगे गई थर्टी एट नंबर थे लेकिन फोर्टी पढ़ लिए मीन आपने बढ़ा दिए तो मुझे यहाँ पर कम करने पड़ेंगे कितने कम करने पड़ेंगे दो नंबर कम करने पड़ेंगे अब यहाँ पे 36 नंबर थे लेकिन 32 ही लिखे तो नंबर घटा दिए तो मुझे यहाँ पर कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे ओवरऑल मुझे चार नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे तो ये मेरे पास नंबर्स आए जिनकी वजह से कैलकुलेशन गड़बड़ा गई तो ओवरऑल क्या डिफरेंस आया प्लस का टू डिफरेंस आया मीनिंग ये प्लस का टू जो दो नंबर हैं ये बढ़ेंगे उस एवरेज में पर किस हिसाब से देखिए पुराने एवरेज कितनी थी फोर्टी अब दो नंबर बढ़ने चाहिए तो पूरी एवरेज में दो नंबर बढ़ेंगे और ये दो नंबर हर टेस्ट में बढ़ेंगे तो कितने टेस्ट में है पांच का डिवाइड दे तो इसको अगर आप दो आप डिवाइड दोगे तो ये आ प्लस यहां पर आएगा जीरो पॉइंट फोर तो इनको प्लस करो फोर्टी सिक्स पॉइंट नाइन आपका जो करेक्ट एवरेज वो होगी ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए चलिए तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं तो हमने आज देखे अलग अलग क्वेश्चन और चेक, चेक किया कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता था ठीक है तो सेम क्लासेस आपकी और भी आती रहेंगी अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियोस को शेयर कर सकते हो और हमारे अगर आप प्लस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो डायरेक्टली व्हाट्सएप या फिर कॉल करके वहां पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो और एनरोल कर सकते हो ठीक है तो चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जय हिंद जय हिमाचल